हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम सीखा था कि किसी स्कूल कॉलेज का क्वेश्चन पेपर कैसे तैयार किया जाता है, उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग पैराग्राफ सेक्शन ही देखेंगे, लेकिन पैराग्राफ सेक्शन में कुछ बॉर्डर एंड शेडिंग के बारे में पढ़ेंगे। और जब बॉर्डर एंड शेडिंग पढ़ लेंगे तो हम लोग किसी भी स्कूल या कॉलेज या किसी भी शॉप का किस तरह से इनवॉइस तैयार किया जाता है, उसका फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, उसके रिगार्डिंग हम लोग आज स्टडी करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो अब हम लोग विन वर्ड में आ गए। तो विन वर्ड में हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, ये पैराग्राफ सेक्शन देखा था, उसमें हम लोगों ने बुलेट स्टाइल देखा था, नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट देखा था। तो अब हम लोग देखने वाले हैं इसमें से ये दो सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन इज शेडिंग एंड सेकेंड इज बॉर्डर। बॉर्डर एंड शेडिंग, ये दो ऑप्शन हम लोग देखने वाले हैं। तो गाइज, बॉर्डर एंड शेडिंग देखने से पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं जिसको हम लोग टेक्स्ट हाईलाइट कलर कहते हैं। ठीक है गाइज, तो फर्स्ट सेक्शन है हमारा शेडिंग, एंड इसी से रिलेटेड एक चीज है जो हम लोगों ने स्किप किया था फॉन्ट सेक्शन में, वो था टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो ये दोनों को चीज देखेंगे कि क्या होता है। चलिए सबसे पहले मैंने एक डमी टेक्स्ट लेता हूँ, तो और एक हेडिंग बनाता हूँ। मान लेता हूँ इस डमी टेक्स्ट का मैंने हेडिंग बनाया जनवरी जनवरी 21। तो ये हम लोगों ने एक हेडिंग बनाया और इसको बोल्ड किया, और जरा इसे और स्केल करता हूँ। मैं चाहता हूं कि ये हेडिंग जो मैंने बनाया, आमतौर पर जब हम लोग रिज्यूमे बनाते हैं तो रिज्यूमे में हम लोग क्या करते हैं कि जो जो हेडिंग देते हैं, पॉइंट्स देते हैं, उसको हाईलाइट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसमें किसी तरह का रिक्टेंगल ले लेते हैं। जैसे जैसे कि ये एक शेडिंग है, शेडिंग क्या करता है कि आप जिस चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं, बस उस वर्ड या उस पैराग्राफ, उस वर्ड या उस लाइन के में आप अपना कर्सर रखें, और बस यहाँ से आप शेडिंग पर जाएं, और शेडिंग से जो भी चूज करेंगे कलर, वो आपको एक रेक्टेंगल फॉर्म में उस सेक्शन को हाईलाइट कर देगा। तो इस तरह का चीज जो हम लोग लेते हैं आमतौर पे जब हम लोग रिज्यूमे बनाते हैं, तो रिज्यूमे में आप देखेंगे कि लोग जो है अक्सर इस स्टाइल का जरूर यूज करते हैं अपने पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए, जैसे जनवरी 21। तो अगर रिज्यूमे लेते हैं, अगर मान लेते हैं रिज्यूमे लिखते हैं, तो लोग लिखते हैं पर्सनल क्वालिफिकेशन, पर्सनल क्वालिफिकेशन। तो इस तरह का एक हेडिंग बन गया पॉइंट। अब इसका कुछ पॉइंट होगा तो उसका वो नीचे में डिस्क्राइब करते हैं ना गाइस। तो इस तरह का चीज हम लोग बनाने के लिए क्या करते हैं, शेडिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर किसी को शेडिंग नहीं आता है तो वो क्या करते हैं, जस्ट शेप में जाते हैं, इंसर्ट, इंसर्ट में शेप जाते हैं, और शेप से इस तरह से रिक्टेंगल ले लेते हैं, है ना। इस तरह से भी लोग करते हैं, शेप फिल में जाते हैं और क्या करते हैं, यहां से आउटलाइन उसको नन कर देते हैं, नो आउटलाइन। और ये जो शेप फ्रंट पर है, इसी को क्या करते हैं, बिहाइंड टेक्स्ट कर देते हैं, है ना। तो लोग इस तरह से भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी आसान है। आप डिपेंड करता है कि यूजर का माइंड और स्किल क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना दिमाग रन करता है। ठीक है, तो मोस्टली हमें अगर किसी भी चीज को हाईलाइट करना है, हेडिंग को दिखाना चाहते हैं किसी चीज का पॉइंट को, तो हम लोग को शेडिंग इस्तेमाल करना है। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, तो इस तरह का एक वर्ड लिखा और जस्ट यहां से एक शेडिंग ले लिया, तो इस तरह का दो पॉइंट बन गया। अब इसको भी स्केल करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज हम लोग स्किप किया हुआ है, अभी तक हम लोगों ने स्किप किया है। देखिए गाइस, कभी भी किसी चीज को अगर एक ही फॉर्मेट को बार बार रिपीट कर रहा है, जैसे कि मैंने पर्सनल क्वालिफिकेशन बनाया, उसी तरह का एक और यहाँ पे पॉइंट बनाया हेडिंग, तो बार बार हमें क्या करना है, फॉन्ट्स चेंज करना उस तरह का। जैसे कि मान लेते हैं इस ये जो हेडिंग बनाया है, यहाँ पे मैंने बोल्ड दे दिया है, इटैलिक भी अप्लाई किया हो, अब हूबहू जो फॉर्मेट यहाँ लगा हो वही फॉर्मेट मैं चाहता हूँ इस एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन पे लग जाए, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बार बार बोल्ड इटैलिक जो भी स्टेप्स लिया है उतना लेने की जरूरत नहीं। बस आप क्या करें, एक चीज पढ़ना होता है उसको हम लोग कहते हैं
फॉर्मेट प्रिंटर, ये फॉर्मेट प्रिंटर हम लोगों ने स्किप किया हुआ है, फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए क्या करते हैं, जस्ट आप उस तरह का एक लेटर या वर्ड कुछ किसी को भी आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करें और जिस पे चलाना है बस उस पे वो ब्रश चला दें तो हूबहू वही चीज़ इस पर अप्लाई हो जाएगा। जो भी फॉर्मेट स्टाइल लगा होगा वो लग जाएगा आपके नेक्स्ट वर्ड या पैराग्राफ पर। किसी भी चीज़ पे आपको लगाना है हूबहू स्टाइल, तो याद रखिए आप फॉर्मेट प्रिंटर लेंगे। फॉर्मेट प्रिंटर लेने का सिंपल सा मेथड है कि एक वर्ड या लेटर सेलेक्ट कर लें, फॉर्मेट प्रिंटर पे जाएं एंड देन जिसको इस स्टाइल में कन्वर्ट करना है, जैसे सपोज मुझे ये वाला लाइन बनाना है तो बस आप उसे सिलेक्ट करें, ऐसे रिलीज कर दें तो वो सेम उसी कमांड पर लग जाएगा। ठीक है गाइज, इतना समझ में आया आप लोगों को, फॉर्मेट को वो कॉपी कर लेगा। ठीक, चलिए तो हमारा था शेडिंग, ये शेडिंग लगाना भी हम लोगों ने सीख लिया, शेडिंग कैसे लगाना है। अच्छा एक है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। ये क्या करता है, आमतौर पे इसका जो यूज़ करना है किसी स्पेसिफिक वर्ड को हमको हाईलाइट करना है। लेट सपोज कि मेडिकल टर्म में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मेडिकल रिपोर्ट में, जैसे ये किसी बंदे का मेडिकल रिपोर्ट आया और उसको किसी तरह का बीमारी आ जाता है, निकल जाता है रिपोर्ट में, तो क्या करते हैं जो डॉक्टर जो रिपोर्टर होते हैं जो रिपोर्ट आपको देते हैं वो उस वर्ड को सिलेक्ट कर कर क्या करते हैं कि उस पर ग्रीन पेन चला देते हैं, ग्रीन स्केच लगा देते हैं ताकि आपको खोजने की ज़रूरत नहीं पड़े, आपका माइंड जो है डायरेक्ट उसी पे फोकस हो जाए। तो उस चीज़ को यूनिक करने के लिए यहाँ एक चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। बस आप जिस कलर के थ्रू दिखाना चाहते हो वो कलर सेलेक्ट कर लें, ऑटोमेटिकली आप लगा सकते हैं। तो इस तरह का टेक्स्ट हाईलाइट कलर, टेक्स्ट हाईलाइट कलर जहाँ तक आप सिलेक्ट करेंगे एक वर्ड एक लेटर जो भी होगा उस पर वो लग जाएगा। जैसे सपोज एक ये भी एक वर्ड है इंपॉर्टेंट वर्ड, उसको हमको शो ऑफ करना है तो बस टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे आप जाएं और इस तरह से टेक्स्ट हाईलाइट कलर लग जाएगा। ठीक है गाइस, याद रखें टेक्स्ट हाईलाइट कलर एक वर्ड पे लगेगा। शेडिंग क्या करेगा, एक वर्ड पे लगेगा बट वो पूरा का पूरा लाइन स्पेस ले लेगा। और टेक्स्ट हाईलाइट जहाँ तक कैरेक्टर होगा बस वही, मतलब आपका जहाँ तक सिलेक्शन होगा वहाँ तक को हो वहीं तक की चीज़ को वो दिखाएगा। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा शेडिंग, ये था हमारा टेक्स्ट हाईलाइट कलर का डिफरेंस। तो इस तरह से लगाने का तरीका है, हटाना है तो नो कलर कर देंगे तो वो हट भी जाएगा। चलिए नेक्स्ट चीज़ है हमें बॉर्डर एंड शेडिंग। बॉर्डर एंड शेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ होता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ है जिसका इस्तेमाल हम लोग, इसमें बहुत सारा चीज़ है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एक चीज़, अच्छा एक तो इस तरह का लोग हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं, इसी तरह का एक और चीज़ है, इसी तरह का एक और चीज़ है जो हम लोग लगाते हैं आमतौर पर किसी क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग या किसी भी चीज़ को। तो जैसे कि कॉलेज है या किसी स्कूल कॉलेज का हम नाम लिखते हैं, ठीक है, जैसे एक कॉलेज है जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया मिलिया इस्लामिया एक कॉलेज का नाम है मान लेते हैं। इसको हमने कंट्रोल ई के थ्रू सेंटर में किया, बोल्ड कर देता कंट्रोल बी और जरा इसे ग्रेटर करता हूँ। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे भी एक शेडिंग लग जाए, मैं इसके चाहता हूँ इसके नीचे एड्रेस लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो मैं चाहूँगा तो इंटर मार के भी लिख सकता हूँ, इसका एड्रेस लिख देता हूँ जामिया मिलिया जस, इसका नाम रखते हैं जसोला विहार। ठीक है, जसोला विहार हमने इसका नाम दे दिया। जसोला विहार न्यू दिल्ली, और इसका स्केलिंग को हमने क्या किया, साइज को डिक्रीज करता हूँ यहाँ से, है ना। तो हम देख रहे हैं क्या कि इन दोनों में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा, मैं चाहता हूँ कि ये जो जसोला विहार मैंने लिखा काफ़ी इसके क्लोज हो। तो नॉर्मल अगर हम लोग लिखते हैं तो वो नहीं कर सकते हैं, उसको हम काफ़ी क्लोज नहीं ले जा सकते हैं। तो अगर ले भी जाएंगे तो ज़रा सा लॉन्ग मेथड लगेगा, तो हम चाहते हैं कि सिंपल सा तरीका हो, आसानी से आप रख सकते हैं। तो अब क्या करें, इस चीज़ को डिलीट कर लें। क्या पढ़ा था, एक चीज़ पढ़ा था उसका नाम था
टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे होता है ये टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स जो होता है इंसर्ट में, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ, यहाँ से ले लें कंट्रोल भी, जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं लिख लें। और इसका मैंने बताया था कि इनसाइड आउटसाइड है, तो आउटलाइन को नन करें और शेप फिल को भी नन करें। अब ये क्या कर सकते हैं, आप इस टेक्स्ट को कहीं भी रख सकते हैं इजली वे में, कोई आपको इशू नहीं होगा। जितना नज़दीक चाहते हैं आप आसानी से रख सकते हैं और कहीं भी अच्छा से उसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरह का चीज़ हेडिंग बनाते हैं हम लोग, एड्रेस ज़रूर देते हैं। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन देते हैं, एक सीधा सा इसके नीचे अंडरलाइन जैसा लाइन दे देते हैं, तो वो हम लोग यहाँ बॉर्डर एंड शेडिंग सुन जाएंगे। बॉर्डर एंड बॉटम बॉर्डर है, बस इस पर क्लिक करेंगे तो वो पूरा का पूरा लग जाएगा। देखिए मैंने लगा हुआ है, लेकिन ये काफ़ी पतला है, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा। तो ये बॉटम बॉर्डर यहाँ से लगाया मैंने, टॉप पे भी लगा सकते तो ऊपर लग जाएगा जस्ट उसके ऊपर। तो इस तरह का भी एक स्टाइल हो गया, लेकिन नॉर्मली हम लोग सिर्फ नीचे लगा कर छोड़ते हैं। तो हम लोग बॉटम को चूज़ किया। और इसका स्टाइल चेंज करना, अगर बॉर्डर का स्टाइल चेंज करना है तो हमें बॉर्डर एंड शेडिंग्स में जाना है। ठीक है गाइस, बॉर्डर एंड शेडिंग्स में जाकर यहाँ बॉक्स है, बॉक्स पर क्लिक करें। अच्छा, बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे बहुत सारा, बॉक्स पर क्लिक किया तो ये स्टाइल है। स्टाइल के अंदर लाइन का इतना तरह का स्टाइल है, आपको जो भी पसंद है। जैसे कभी कभी आप ये देखते होंगे, ये है यहाँ पे फोर बॉर्डर्स, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। हमें कहाँ का नीड है, सिर्फ नीचे का। तो टॉप को हटाते हैं, लेफ्ट को हटाते हैं, राइट को हटाते हैं, सिर्फ बॉटम को छोड़ते हैं और ओके करते हैं, तो वो हमारा उसके नीचे लग जाएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी क्वेश्चंस को बनाते हैं, किसी चीज़ का हेडिंग देते हैं, तो इस तरह का चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एंड देन नीचे से जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं वो लिखते हैं। ठीक है गाइस, तो ये याद रखें कि बॉटम बॉर्डर लगाना है। बॉटम बॉर्डर सिंपल है, यहाँ से लग जाएगा आपको। बट बॉर्डर का अगर स्टाइल चेंज करना है तो आपको बॉर्डर एंड शेडिंग्स में जाना है, बॉक्स को चूज़ करना है। यहाँ बहुत अच्छा अच्छा बॉर्डर स्टाइल दिया हुआ है, जो भी आप चूज़ करेंगे वो लग जाएगा। और यहाँ से चारों तरफ चाहिए, अगर क्लोज चाहिए इसको रिक्टेंगल शेप में क्लोज, तो बस आपको सिलेक्ट करके ओके करना, अदरवाइज लेफ्ट राइट टॉप को हटा देना है। यहाँ से इस पर क्लिक, हाईलाइट हट जाएगा और ओके करेंगे वो बॉटम में लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लगाने का एक तरीका है। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है कि जब हम लोग बॉर्डर लगाते हैं, अभी मैं बॉर्डर का स्टाइल्स भी है, और भी बहुत सारे स्टाइल है। जैसे कि ये तो बॉक्स के अंदर मैंने देखा ये सब चीज़ें हैं, बट मुझे इसमें से पसंद नहीं है। इवन आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ग्रीन करना है, पर्पल करना है, जो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी थिकनेस है, थिकनेस भी दे सकते हैं। ठीक है, ओके करेंगे तो यही चीज़ आपको यहाँ इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है गाइस, लेकिन हमको चारों साइड से नहीं चाहिए था, तो हम क्या कर सकते हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग में अगेन जाएंगे, बॉक्स पर क्लिक करना है, यहाँ चारों तरफ है, बस इसको हटा देना और ओके कर देना, तो इस तरह से बॉर्डर लगेगा। ठीक है गाइस, इतना समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं। तो बॉर्डर के बाद एक चीज़ है, बॉर्डर ही अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो बॉर्डर में आज हम लोग एक रसीद बनाना चाह रहे हैं, किसी भी कंपनी का रसीद कैसे बनता वो देख लेते हैं। ठीक है गाइस, अच्छा उसको देखते हैं, लेकिन अभी भी इसे स्किप कर, चलिए इसी को आगे आते हैं। बॉर्डर एंड शेडिंग्स में ही जा रहे हैं। बॉर्डर एंड शेडिंग्स में एक चीज़ से बॉक्स सिस्टम, यहाँ से हम शेडिंग भी दे सकते हैं। बॉर्डर में यहाँ पे दिखा रहा है कि हल्का सा शेडिंग आएगा। ठीक है, आमतौर पर तो इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इसी में एक चीज़ अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, पेज बॉर्डर। ये याद रखें, पेज बॉर्डर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है रिज्यूम में। तो रिज्यूम जब हम लोग बनाते हैं तो पेज बॉर्डर देना, तो पेज बॉर्डर का काम है कि आपके पेज के चारों ओर बॉर्डर देना। तो बस याद रखना, पेज बॉर्डर पे क्लिक करें, जिस तरह से आप टेक्स्ट और पैराग्राफ में देते हैं उस तरह का इसमें भी बॉर्डर है। कलर आप चेंज कर सकते हैं, थिकनेस यहाँ से बढ़ा सकते हैं, सेम है बॉक्स की तरह, बॉर्डर्स की तरह। लेकिन इसमें एक चीज़ है, आर्ट एक्स्ट्रा है कि आप इतने तरह का आर्ट दिया हुआ है जिसको आप बॉर्डर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पेज बॉर्डर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो चलिए इस पेज बॉर्डर के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस पेंसिल को, ठीक है, पेंसिल को इस्तेमाल कर रहे हैं और ओके करते हैं, तो ये हमारे पेज के चारों ओर लग जाएगा। देख रहे हैं ये पेज के चारों ओर बॉर्डर लगी, लेकिन ये क्या है, साइज़ बहुत ज़्यादा है इसका, इस बॉर्डर का साइज़ बहुत बड़ा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है, डल लग रहा है। तो हम लोग फिर अगेन जाएंगे बॉर्डर शेडिंग्स में, पेज बॉर्डर में ये 30 पॉइंट है, इसको हम लोग घटा देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि साइज़ भी श्रिंक हो गया, 8 पॉइंट मैंने ओके किया। तो इस तरह से आप बॉर्डर दे सकते हो, आप ये पहले के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है गाइस। तो इस तरह से आप अपने पेज में भी बॉर्डर लगा सकते हैं या लगाना है। अच्छा, सेकेंड थिंग कि जब हम लोग कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो जब उसे प्रिंट करेंगे तो वो कैसा निकलेगा, यानी कैसा रिव्यू देखना चाहते हैं तो क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल में चल जाएंगे हम लोग, फाइल में यहाँ प्रिंट है, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो वो प्रीव्यू यहाँ दिखा देगा कि जब आप प्रिंट करेंगे तो आपका डिज़ाइन कुछ इस तरह का होगा, ठीक है गाइस। शॉर्टकट तरीका ये है कि आप अपने कीबोर्ड से क्या प्रेस करें, कंट्रोल F2, कीबोर्ड में कंट्रोल होल्ड रखना है और बस F2, कीबोर्ड का F2 प्रेस करेंगे तो आपको वो प्रिंट प्रीव्यू दिखा देगा। तो प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट है कंट्रोल F2, ठीक है गाइस। MS वर्ड के लिए अब बाहर निकलना है, स्केप कर दें, यहाँ पे स्केप बटन है जो टॉप में है, कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में है। इस तरह से हम लोग बॉर्डर लगाते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है गाइस। इतना कुछ समझ में आया, पेज बॉर्डर कैसे लगाना है, बॉर्डर कैसे बनाना है, ये समझ आया। चलिए अब हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि किसी भी कंपनी में, यानी किसी भी शॉप का हमें कैसे रसीद बनाते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए इस चीज़ में इतना सारा ऑप्शंस है, हम लोग मोस्टली तो बहुत कम ना के बराबर ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक जो चीज़ है इन सभी में वो है मेरा ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ड्रॉ टेबल का काम ही है ड्रॉ करना। ड्रॉ टेबल पे जैसे मैंने क्लिक किया, हमारा जो कर्सर था पॉइंटर वो एक पेंसिल के रूप में चेंज हो गया, ठीक है गाइस। तो बस आप अपने कीबोर्ड माउस को बस क्लिक करना और ड्रैग करना, जितना बार आपको फॉर्मेट तैयार करना है, जैसे मुझे एक बॉर्डर बनाना था इस तरह का, इनवॉइस बनाना है, तो मैंने बस यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देखते हैं। फिर अगेन एक लाइन खींचना है, लाइन मैंने खींचा, एक और एक लाइन खींचना, मैंने एक लाइन खींचा, एक और लाइन खींचना मैंने खींचा, ठीक है गाइस। तो आप इस तरह से लाइन खींच सकते हैं। तो ये देखा जाए तो कुछ हद तक देखा जाए तो एक फॉर्मेट तैयार हो गया, किसका, एक इनवॉइस का, जो नॉर्मली शॉप वगैरह में हम लोग बनाते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पे हम लोग जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं SL लिखते हैं, सीरियल नंबर लोग लिखते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि जब एक इस तरह का जो लाइन बनता है, इस तरह का जो लाइन बनता है, खड़ा लाइन बनता है, वर्टिकल लाइन, उसको हम लोग कहते हैं कॉलम। याद रखें गाइस, वर्टिकल से जो सेक्शन बनता है उस सेक्शन को कॉलम हम लोग कहते हैं, और जो हॉरिजेंटली बनता है, ये हॉरिजेंटल है, ये इस हॉरिजेंटली को हम लोग बोलते हैं रो, ठीक है। रो हॉरिजेंटल होता है और वर्टिकल को हम लोग बोलते हैं कॉलम, ठीक है। तो एक ये एक डिब्बे को बोलते हैं हम लोग सेल, ये याद रखना है। वो जो एक सेक्शन बना वो सेक्शन को कहेंगे हम लोग सेल, और वर्टिकल में जितना जो आ रहा होगा सेक्शन, बहुत सारा डब्बा आएगा, सेल्स आएगा, उस सेल्स को हम लोग मल्टीपल में अगर आता है वर्टिकल तो उसे हम लोग कॉलम, ठीक है। और हॉरिजेंटल में जा रहा होगा तो इस तरह की चीज़ को हम लोग कहेंगे रो, ठीक है। इतना समझिए, रो कॉलम सेल किसका नाम है। चलिए, तो हम लोग पढ़ने वाले थे कि जब एक सेल में आप हैं और दूसरे सेल में आप जाना है, एक तरीका है कि आप अपने कीबोर्ड में जो एरो की है उसे भी प्रेस करें तो आप आसानी से जा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग इनवॉइस में देखते हैं कि पार्टी क्यूलर लिखा रहता है,
फिर अगेन जाना है तो हम लोग एरो राइट एरो की किया तो इस तरह से चले आए। अच्छा पीछे जाना है तो लेफ्ट एरो की से जा रहे हैं। तो हम लोग ये एक तो एरो की के थ्रू जा पा रहे हैं यहाँ, लेकिन आप दूसरे सेल में जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस करना है। टैब TAB टैब जो बटन बना हुआ उसे क्लिक ड्रैग क्लिक करें यानी प्रेस करें तो आप ऑटोमेटिकली दूसरे सेल में चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं कि QUTAY लिखा होता है, QUTAY, और नेक्स्ट वाले में लिखा होता है रेट, और उसके नेक्स्ट होता है अमाउंट। इस तरह का इनवॉइस का फॉर्मेट हम लोग तैयार कर रहे हैं गाइस। अच्छा तो आप इस तरह से आराम से अपने इनवॉइस को तैयार कर सकते हैं। कहीं भी निशान चाहिए होगा बस आप ड्रॉ बॉर्डर में जाएंगे, यहाँ से ड्रॉ टेबल है, ड्रॉ टेबल में जाएंगे, ड्रॉ टेबल लेकर जहाँ पे लाइन देना चाहते हैं आप आसानी से लाइन दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टोटल लिखा होता है ना गाइस, टोटल, तो आप टोटल के लिए TOTL टोटल कर लें। इस तरह से हम लोग एक इनवॉइस का फॉर्मेट तैयार करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, आप आसानी से जो भी है तैयार कर सकते हैं इनवॉइस। ठीक, चलिए दूसरा चीज देख सकते हैं कि इनवॉइस में हम लोग क्या कर सकते हैं। इनवॉइस में जो ये बॉर्डर बना हुआ है इसकी बॉर्डर को स्टाइल को चेंज करना है, तो कुछ नहीं गाइस बस आप लेआउट में चले हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग्स में। यहाँ पे आप कलर देख पा रहे हैं, ये कलर आप आसानी से जो भी कलर चाहिए, ब्लैक चाहिए तो ब्लैक ओके करेंगे तो यही ब्लैक कलर आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लग जाएगा। यह याद रखें बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो आपको कहाँ जाना है, बॉर्डर एंड शेडिंग्स में चलना है। बॉर्डर एंड शेडिंग्स में यहाँ आपका कलर होगा, कलर को आप जो भी कलर देंगे वो कलर को पिक कर लेगा। सेकंड थिंग कि बॉर्डर का लाइन भी चेंज करना है तो आप आसानी से सिलेक्ट करें, जो भी लाइन देना चाहते हैं आप उसे दे सकते हैं। ठीक है, इतना कुछ समझ में आ रहा आप लोगों को? ठीक है गाइस, बॉर्डर बनाना कैसे समझ में आ रही। अच्छा यहाँ पे बॉर्डर्स के जस्ट बगल में यहाँ बॉर्डर का लाइन है, आप यहाँ से बॉर्डर का लाइन यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर की थिकनेस को भी यहाँ से भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं, पेन का कलर भी चेंज कर सकते हैं जो भी कलर है। अगर मैंने ब्लू लिया, अब मैं अगर कोई भी पेन का, अगर अब मैं ड्रॉ बॉर्डर लेता हूँ यहाँ से बॉर्डर में ड्रॉ ड्रॉ टेबल लेता हूँ, तो अगर अब मैं कुछ भी अगर एक सेल बना रहा हूँ तो अब वो क्या होगा, ब्लू कलर में बनेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से ब्लू कलर, या जो अभी मैंने ये कलर लिया, अब सिंपल सा बॉर्डर लेना है तो आप इस तरह से अलग अलग तरह का भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं बॉर्डर। अच्छा ये इरेजर है, इरेजर आप यहाँ से भी ले सकते हैं, इरेजर से कोई भी चीज़ गलती से मुझको ये वाला लाइन हटाना चाह रहे तो बस इस पर क्लिक करें तो वो हट जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा आपको? इस तरह से हम लोग डिज़ाइन को बना सकते हैं। ये फालतू लग रहा है ये बीच में लाइन, तो आप इरेजर लें फिर अगेन बस आप खींचे वो हट जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ से आपको लाइन नहीं चाहिए बस वहाँ से इरेजर कर दें। डॉट टेबल बॉर्डर्स के अंदर भी है, डॉट टेबल यहाँ सामने भी है, आप आसानी से बस खींच दें वो आपको लाइन दे देगा। ठीक है गाइस, तो आप इरेजर लें, इरेजर से आप उस एक्स्ट्रा लाइन को मिटाकर आप आसानी से बना सकते हैं। दूसरी बात कि जब हम लोग यहाँ उस कंपनी या उस शॉप का नाम लिखेंगे तो आप आराम से लिख सकते हैं मेडिकल स्टोर। ठीक है, इंटर मारा, इंटर मार के मैंने उसका कुछ एड्रेस है, एड्रेस देना है, कुछ भी दे सकते हैं आप। रामनगर, दिल्ली, इस तरह से कुछ भी आप एड्रेस दे सकते हैं और सेलेक्ट करके उसे सेंटर कर सकते हैं, लेकिन वही दिक्कत आएगा आपको कि स्पेस बहुत ज़्यादा, होम से ये स्पेस है, एक पैराग्राफ में, पैराग्राफ में लाइन में डिस्टेंस कितना देना आप यहाँ से दे सकते हैं,
लेकिन वही स्पेस में कमी आ रही। तो आप इस तरह की चीज़ों को बनाने के लिए क्या करें, टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करें। इंसर्ट में यहाँ टेक्स्ट बॉक्स है, आप टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करें। यहाँ पे आपको स्पेस में कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। बस आप कुछ भी दे सकते हैं एड्रेस, मान लेते तो मैंने लिखा था रामनगर, तो रामनगर ही देता हूँ। इस तरह से, और लिखने के बाद बस शेप आउटलाइन को नो कर दीजिए और शेप फिल को आप नो कर लें, और उसके बाद उठाकर इसको कहीं भी रखना है रख लें, और ये फालतू आपका ये जो फालतू है इसे आप डिलीट कर लें। तो आप आसानी से बॉर्डर लें, बॉर्डर से टेक्स्ट बॉक्स लें। टेक्स्ट बॉक्स लेने से आपको फ़ायदा यही होगा कि आप उसे इजी वे में कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं, और जितना चाहें उतना आप आपस में उसे क्लोज भी रख सकते हैं, तो ये आपको फ़ायदा ही है। दूसरी चीज़ कि आप इसको आराम से कंट्रोल डी के थ्रू डबल भी कर सकते हैं, ठीक है, और कहीं भी रख सकते हैं, और जो टेक्स्ट मिटाना है आप उसमें मिटाकर लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने लिख दिया मोबाइल नंबर, तो आप इस तरह से भी कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। समझ वाली बात इतनी मेरी कुछ, ठीक है। यहाँ पे कंपनी का लोगो दे दे, तो आप इस तरह से किसी भी इनवॉइस का फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं बॉर्डर्स के थ्रू। ये याद रखें, बॉर्डर्स के थ्रू। तो हम लोगों ने क्या देखा आज, ड्रॉ टेबल, बॉर्डर एंड शेडिंग्स देखा, और बाकी कुछ नहीं देखा है। उस सभी को हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, जब हम लोग क्या करने वाले हैं, जब हम लोग ये जो बॉर्डर एंड शेडिंग पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग इनवॉइस ही तैयार करेंगे, बट वो क्या होगा, ऑटो कैलकुलेटेड होगा। मैं जो क्वांटिटी और रेट पुट करूंगा ऑटोमेटिकली वो अमाउंट को पिक कर लेगा, उसी तरह से पूरा टोटल सब टोटल जो भी होगा सबको वो पिक कर लेगा। बहरहाल अभी हम लोग जो डिज़ाइन बना रहे हैं सिर्फ मैनुअल डिज़ाइन बना रहे हैं, प्रिंटेबल डिज़ाइन आप इसे डिज़ाइन कर कर प्रिंट कर लें। प्रिंट करके आप आराम से उसका जितना कॉपी है बना सकते हैं, ठीक है गैस। तो ये यहाँ पे हमारा आज का क्लास खत्म होता है, तो चलिए। तो गाइस ये जो डिज़ाइन है, जो भी हमारा इनवॉइस का डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, और इस तरह का डिज़ाइन आप बनाएं बनाइए, अदरवाइज आप कहीं आपके पास पहले से किसी तरह का कैश मेमो है, इनवॉइस है, तो आप उसे भी ट्राई करें और भी अच्छा से अच्छा डिज़ाइन बनाएं, ताकि आपका माइंड और भी डेवलप हो और आपका स्किल और डेवलप हो, ठीक है गाइस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस, टेक केयर, बाय।